केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री किरण रिजिजू अमृतसर पहुंचे जिथे उन्होंने अटारी बॉर्डर से आईसीपी जाने के लिए बनी इंटरगेटिंग चेक पोस्ट से 107 फुट उच्चा तिरंगा भी लहराया। पत्रकार के साथ गलबात दौरान रिजिजू ने आख्या कि वह बॉर्डर से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लैन तिरंगा लहराने पहुंचे सन। इस दौरान उन्होंने भी आख्या कि सरहद पारों पैदा होंदे हुए अतवादी के खिलाफ भारत का सख्त स्टैंड बरकरार रहेगा। सरहद से सिक्योरिटी होर मजबूत बनाने के उपराले किए जाएंगे। इस मौके पर रिजिजू ने भी आख्या कि सरहद पारों पाकिस्तान वालों की जा रही फायरिंग के विरोध में लोगों की प्रतिक्रिया जायज है। ये बॉर्डर इलाका है, अटारी बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है, अमृतसर क्षेत्र में आता है, तो यहाँ अपना झंडा लगा पाया और ये हमेशा मेंटेन होगा और हमेशा ये लहराते रहेगा। इसका व्यवस्था हम पूरा करेंगे। दूसरा है ये जो अपना लैंड पर अथॉरिटी का माध्यम से यहाँ बहुत कुछ काम चल रहा है, उसको मुझे जायज़ा लेना था और किस तरह से यहाँ इस बॉर्डर एरिया में जो हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, यहाँ हमारा व्यापार कैसे चल रहा है, आना जाना कैसे चल रहा है, सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं है। प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में ISI और कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करता है, उसको भारत सरकार की ओर से जो भी कदम उठाना है वो उठाएंगे।